पे ये, और ये गोल्डन मिरर लगा हुआ है इसमें, फाइबर का फ्रेम है, बैक पर वुडिंग है ये, तो चांदी की पॉलिश का ही काम किलाता है। हाँ, अगर ये वाला छोटा वाला मिरर है फाइबर का, ये पर पीस पे बना हुआ है। ये बकरे की खाल के ऊपर बना हुआ। अच्छा, ये कुछ ग्लास के आइटम भी हैं, इनके भी हम प्राइस पूछ लेते हैं। हर कोई चाहता है उसके घर के दरो दीवार खूबसूरत और पुरानी आयात की बरकत से सजे हुए हों। बात अपने घर की हो या फिर शादी ब्याह सालगिरह पर किसी को अच्छा और खूबसूरत और मुनासिब पैसों में गिफ्ट देने की, तो इस्लामिक कैलीग्राफी और खूबसूरत जो ग्लास फ्रेम होते हैं और इसके अलावा वॉल हैंगिंग फ्रेम्स होते हैं, डेकोर आइटम्स होते हैं, इससे बेहतर कोई और चीज नहीं समझी जाती। तो जनाब, चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं कराची की बहुत ही मशहूर शॉप पर, जहाँ पे आपको बेतहाशा वैरायटी मिलेगी नहायत मुनासिब हदीये पर। तो खूबसूरत आपको इस्लामिक आर्टिकल्स नजर आएंगे, इसके अलावा बेतहाशा वैरायटी है, और इसके अलावा ये पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी भी करते हैं मुनासिब रेट पर। तो चलिए इनसे बात करते हैं, उमर से बोलते हैं कि भाई से बात करें, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आपने बड़ा सराहा था और बड़े मेरे कमेंट आ रहे थे कि आप ऐसी मजीद वीडियो बनाएं। तो आज हमने एक बहुत ही यूनिक और एंटीक आइटम है, इस शॉप का हमने विजिट किया है और आपको इसका पूरा जायजा भी दिलाते हैं और भाई से बात भी करते हैं जो कि यहाँ के शॉपकीपर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह भाई, आपका नाम क्या है सबसे पहले? मेरा नाम मोहम्मद अकील अत्तारी। अच्छा अकील भाई, एक बात बताइए, ये आपकी शॉप माशाल्लाह किस जगह पर वाकिया है, ये जगह का लोकेशन बताइए। जामा क्लब में वाकिया है, बंस रोड के बैक साइड पर। अच्छा, शॉप नंबर क्या है? शॉप नंबर है 21। शॉप नंबर 21 है। अच्छा, अहबाब फ्रेमिंग। ठीक है, अहबाब फ्रेमिंग के नाम से। ठीक है, अच्छा, और अपना नंबर भी है कि वो कीजिए। 0315-299-4406। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कोई ऑनलाइन अगर चीज लेना चाहेगा मिल जाएगी ऑनलाइन में? ये कि आप पसंद करें, इंशाल्लाह आपकी दुकान तक कम से कम एक हफ्ते में पहुंच जाएगी। अच्छा, अगर कराची से बाहर भी हो वहाँ भी डिलीवर कर देंगे? कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अपनी जो शॉप की कुछ आइटम है वो दिखाइए हमें, किस तरह के फ्रेम होते हैं आपके पास? जैसे आप ये देख रहे हैं, ये स्टील पे बना हुआ है। अच्छा, अल्लाह के 99 नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद सेकंड पे ये देखें। अच्छा, इसके क्या प्राइस है ये बताइए? ये वाला 40,000 रूपए। ठीक है। और ये छोटा वाला? छोटा वाला ये भी एसएस का ही है, और ये गोल्डन मिरर लगा हुआ है, इसमें फाइबर का फ्रेम है, बैक पर वुडिंग है ये, सही है, 12,000 रूपए का आपको पड़ेगा। अच्छा, और इसी तरह वो साथ में भी सारे लगे। अगर आप ये जोड़ी लेते हैं तो ये जोड़ी आपको 40,000 रूपए की पड़ेगी। अच्छा, इस साइज के अंदर ये जोड़ी होगी, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम। अच्छा, ये वाली जोड़ी जो है ये 40,000 की है। अच्छा, इनका साइज क्या है? साइज है 3 फुट बाई 3 फुट। 3 फुट बाई 3 फुट का है, और ये 4 फुट बाई 4 फुट का साइज। अच्छा अच्छा, ये लासानी के ऊपर हाथ की पेंटिंग है, ये 8,500 रूपए का, ये 8.5 की है। ये पेंटिंग है, ये 8,500। अच्छा, इससे आगे अगर ये बहुत खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा है, ये कट ग्लास का काम कहलाता है, शीशे के ऊपर शीशे की कटिंग का काम, टोटल ये शीशे से बना हुआ है। अच्छा, ये पीस आपको 25,000 रूपए का पड़ेगा। 25,000 हदिया है इसका, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। अच्छा जी, अच्छा और आप बताइए कोई, जैसे इसी में एक ये हाथ की पेंटिंग देख लें। अच्छा, हाँ, अगर आप अपनी नहीं, ये कैनवस के ऊपर हाथ की पेंटिंग है। अच्छा, कैनवस के ऊपर जी, ये कैनवस के ऊपर हाथ की पेंटिंग है। सही, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। ये 16,000 रूपए का पड़ेगा। अच्छा, इसका हदिया 16,000। ये शीशे पे स्केचिंग करके चांदी की पॉलिश हुई है, ये पर पीस पड़ेगा आपको 6,000 रूपए में। 6,000 शीशे पे स्केचिंग करके चांदी की पॉलिश। जी जी जी, ये वही है, चांदी की पॉलिश का ही काम किलाते हैं। हाँ, अगर ये वाला छोटा वाला मिरर लेते हैं, ये 8,000 रूपए का पड़ेगा, बड़ा वाला आपको 12,000 रूपए का पड़ेगा। सही, फाइबर एंड वुडिंग।
बेडरूम में ये शीशे यूज करते हैं या वॉशरूम में भी करते हैं? कुछ लोग वॉशरूम में भी करते हैं, अपने अपने पसंद के ऊपर है कि आप कहीं भी आपको एडजस्ट कर दे। अच्छा, एक ये बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है चीज, ये भी वही एसएस की बनी है, स्टील यानी। सही, ये वाली आपको 18,000 रुपए की पड़ेगी। जी अच्छा, और ये इसमें फाइबर में बनी हुई है? हाँ, ये है स्टील, लेकिन ये काम अलग है। ये मेरा रंग फाइबर रंग वुडिंग है, ये सिर्फ फाइबर है। ये वाला अगर लेते हैं, ये वाला आपको 11,000 रुपए का, ये 11,000 है, और वो 18,000। अच्छा, ये कुछ ग्लास के आइटम भी हैं, इनके भी हम प्राइस पूछ लेते हैं। इसके क्या प्राइस है? जैसा ये प्राइस लेते हैं तो ये आपको 10,000 रुपए का पर पीस पड़ेगा। अच्छा, उसमें तीन स्टेप बनेंगे, वो वाला आपको 12,000 रुपए का। अच्छा, और ये जो कॉर्नर पर, हाँ कॉर्नर आपको 12,000 रुपए का पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा ये जो हॉल्स और ये हाथ पड़ा हुआ है, हाँ ये हाथ का काम हुआ है, ये हॉल्स जो आपका पड़ेगा वो 8,000 रुपए का पड़ेगा पर, बाकी हाँ पर पीस। और ये जो तोता है, ये वाला आपको 10,000 रुपए का पड़ेगा। अच्छा, इसमें कुछ गुंजाइश है या फाइनल है? ये कर देते हैं, कुछ गुंजाइश 19-20 की कर देंगे। सही, ये फाइबर के ऊपर इस फ्लावर बने हैं, फाइबर की शीट पर। अच्छा, फ्रेम भी इसका फाइबर का है। ये पर पीस आपको 8,500 रुपए। और इसका साइज क्या है? इसका साइज है 2.5 फुट बाई 4.5 फुट। अच्छा, 2.5 फुट बाई 4.5 फुट। सही। अच्छा, ये इसके बारे में बताइएगा, ये क्या चीज है? ये भी कैनवास के ऊपर हाथ की पेंटिंग है, ये लसानी का बॉर्डर यानी वुड का बॉर्डर एंड फाइबर का फ्रेम। ये वाला 18,000 रुपए का आपको पर पीस पड़ेगा। 18,000 रुपए जी। अच्छा, इसके बराबर में ये जो अल्लाह मोहम्मद, ये लकड़ी के ऊपर हाथ पे काम किया हुआ है। अच्छा, खाली शीशों का काम है, हाथ पे किया हुआ लकड़ी के ऊपर। ये वाला अगर पेयर लेते हैं तो आपको 13,000 रुपए का पेयर पड़ेगा। अच्छा अच्छा भाई, ये कौन सा वर्क है? ये सूफी है, ये कैनवस के ऊपर स्केच किया हुआ है। अच्छा, स्केच, ये कैनवस का स्केच है। अच्छा, ये 4,000 रुपए का पर पीस पड़ेगा। 25,000। जैसे छोटे छोटे वाले होंगे, इनमें से कोई सा भी ले लें, 1,200 रुपए का पर पीस पड़ेगा। 1,200 में आप दे रहे हैं जी? ये 8-8 सौ रुपए की, 8-8 सौ जी। सही, ये 1,200-1,200 रुपए। सही। इसके अलावा ये थोड़ा खाल पे जो बनी हुई है, अच्छा ये बताइएगा, ये किसके खाल पे बना हुआ है? ये बकरे की खाल के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, ये पीस आपको 12,000। अच्छा, ये कहीं और से आते हैं ना? ये ईरान से आते हैं। ईरान से? हाँ, ईरान से, ईरानी काम के लाते हैं। अच्छा, और ये कारपेट पे? ये कारपेट भी ईरानी है। अच्छा, ये पतला वाला कारपेट होता है, ईरानी कारपेट के लाते हैं। इनका इसका क्या हाथी है? ये वाला है 7,000। ये 7,000 इसका हाथी है। और इसके बाद भी ये सेम चीज है, बस वो कलर का फर्क है। सही, जैसे आप ऊपर देख लें, अच्छा भी सेम चीज है, बस कलर। माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत से चार फूल है, ये भी कालीन के ऊपर है, कारपेट, ईरानी कारपेट, ईरानी कारपेट है। इसके प्राइस भी सेम है? सेम है, प्राइस सेम। ठीक, ये भी सेम है, ये सब सेम है। अच्छा, ये काफी सारी मुझे चीजें दिखी हैं, जैसे ये ऊपर भी एक बड़ा एंटीक है, ये फाइबर में बना हुआ है। हाँ, इसके क्या प्राइस है? ये 3 पीस का सेट है, ये 14,000 रुपए का 3 पीस का। ये 14,000 का 3 पीस का सेट है। ठीक है जी। इसके अलावा ये बैक साइड पे एक चीज दिख रही है, वो भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, ये इसके भी बताइएगा क्या हाथी है? हो गए, कोई मसला नहीं। ये फाइबर पे टोटली फ्रेम बना हुआ है, और ये एसएस है यानी स्टील पे बना हुआ है। ये 30,000 रुपए का पर फ्रेम पड़ेगा। अच्छा, 30,000 रुपए जी। ठीक है जी। बाकी तो बेइंतहा वैरायटी है, अगर दिखाने लगे तो कुछ मेरे ख्याल एक घंटे की वीडियो यहाँ बन जाएगी। तो ये बाकी आप लोग यहाँ विजिट भी करें आके, और जिसको ऑनलाइन मंगाना हो वो भी मंगा सकता है। अच्छा, ये देखो लास्ट पर शीशे पे स्टिचिंग करके वो दामाद का काम। देखिए, ये भी माशाल्लाह दामाद का काम, काम काम कर हाथ की पेंटिंग है। इसमें अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम लिखे हैं। ये वाला आपको 20,000 रुपए का पड़ेगा। सही, ये 20,000। इसमें कारपेट होता है, ये वाला आपको 7,000 रुपए का। ये 7,000 का है। अच्छा चले, इनकी जो भी प्रोडक्ट है, जो आइटम थे वो दिखा दिए हमने, इसके अलावा भी कुछ होंगी तो वो भी आपसे शेयर कर देंगे पिक्चर्स में। आप इनसे फिर रब्ता कर लीजिएगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होती है। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़।